पेज नंबर 153 या 148 पर इलस्ट्रेशन नंबर 5.6 है, जिसमें लिखा है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। एक बैलेंस शीट हमें गिवन है कंपनी की, उससे हमें तीन इन्फॉर्मेशन मिली है। नंबर वन, इक्विटी शेयर कैपिटल है इसमें 5 लाख रुपए की। नंबर टू, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जो कि 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, वो भी 5 लाख रुपए की है। और तीसरा, 10% डिबेंचर जो कि 10 लाख के हैं। टोटल ये 20 लाख के हो जाते हैं। आगे लिखा है डिटरमाइन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी। हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछी है कंपनी की। वेटेड एवरेज कॉस्ट का मतलब है सबको मिला के मिक्स कॉस्ट क्या रहेगी। अभी इसको करते हैं कैलकुलेट। इट हैज बिन पेइंग डिविडेंड एट द रेट ऑफ ₹20 पर शेयर और जी इसमें इक्वल टू जीरो है। तो क्वेश्चन में एक चीज़ जो पहले हमें काम की मिली है वो है डी मिल गया है, और डी इसके अंदर जो मिला है वो जीरो ग्रोथ के साथ मिला है। तो वैसे तो ये पेमेंट 20 रुपए की है, लेकिन यही डी जीरो भी है और यही डी वन भी है और यही डी टू भी है, क्योंकि कंपनी का ग्रोथ जीरो है। ग्रोथ जीरो करती है जो कंपनी, उसके अंदर कोई इंक्रीज नहीं होने वाला, तो जो ₹20 डिविडेंड है वो डी वन बन जाएगा, डी जीरो भी बन जाएगा। इनकम टैक्स का रेट जो है वो ओल्ड बुक में 50% है और न्यू बुक के अंदर जो है वो 30%। तो टैक्स का जो रेट है वो 30% लेकर मैं सॉल्व करने वाला हूँ। आगे ये भी लिखा हुआ है करंट प्राइस ऑफ ₹100 शेयर इज ₹160। दो बातें पता चली हमें, इक्विटी से जुड़ी बातें, ये सारा का सारा पोर्शन जो यूज होगा वो किसके लिए यूज होगा, इक्विटी के लिए यूज होगा। हमें फेस वैल्यू बता दी गई है जो कि ₹100 है, और हमें बता दिया गया मार्केट का प्राइस जिसे पी जीरो बोल सकते हैं जो कि है 160। हमें इस क्वेश्चन के अंदर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को पता लगाना है। वेटेड एवरेज कॉस्ट का मतलब है जितने भी हमारे पास सोर्स हैं कैपिटल के, उन सब की कंबाइंड कॉस्ट क्या है। हमारे पास तीन सोर्स हैं इसमें, एक तो इक्विटी है, दूसरा इसके अंदर डेट है, तीसरा इसमें प्रेफरेंस शेयर है। तो तीनों की पहले इंडिविजुअल कॉस्ट निकाली जाएगी, उसके बाद वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे आते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं के ई की कैलकुलेशन कर देता हूँ। के ई की कैलकुलेशन करने का हमारा फार्मूला होता है डी वन डिवाइड बाय पी जीरो, और ग्रोथ हो तो ऐड करते हैं, लेकिन ग्रोथ तो जीरो इसलिए ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर वैल्यू प्लेस कर दूँ मैं तो डी वन हमारा 20 रुपये है और पी जीरो 160 है, ग्रोथ तो कोई है नहीं। तो 20 डिवाइड बाय 160 करने से जो फिगर मेरे पास आने वाली है वो आने वाली है 0.125। और सिंप्लीफाई करूं तो उसको बोल सकता हूं 12.5%। क्लियर है पहला पार्ट, मैंने के ही निकाल लिया। अब दूसरे सोर्स पे आते हैं। दूसरा जो इस क्वेश्चन में सोर्स हमारा है वो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उसके आगे परसेंटेज डलिए, उसकी कोई फेस वैल्यू नहीं बताई हुई। जब परसेंटेज का सवाल हो तो फेस वैल्यू 100 लेना सबसे आसान है, क्योंकि जो 100 है उससे परसेंटेज ही आपकी कॉस्ट होगी। केपी में कुछ भी निकलने वाला नहीं है, केपी के अंदर 12% ही जवाब आएगा, क्योंकि आपका फॉर्मूला है प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय पी जीरो, और 12% 100 रुपये पे दोगे तो 12% ही कॉस्ट है, सीधी सी बात है। इसके अंदर अगर मैं वैल्यू प्लेस कर दूं तो हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 0.12 इक्वल टू 12%। इसमें कोई कैलकुलेशन करने जैसा कुछ था ही नहीं, वो तो मुझे पहले से ही जवाब पता था। हाँ, जो हमने डिबेंचर इशू किया उसके ऊपर कैलकुलेशन की जाएगी, 10% डिबेंचर है इसमें, लेकिन टैक्स का बेनिफिट मिलेगा इसके अंदर। तो हमारा के डी का फार्मूला भी लगाना पड़ेगा। के डी का फार्मूला कहता है जी इंटरेस्ट पूछो पहले, फिर 1 माइनस टैक्स रेट माइनस कर दो और डिवाइड कर दो किससे, बी जीरो से। तो इंटरेस्ट हमारा 10% 10 ही रहेगा। टैक्स रेट इसमें मैं 30% लेने वाला हूं, 1.30 माइनस करेंगे 1 में से और डिवाइड बाय 100 करेंगे। फेस वैल्यू बताई नहीं है तो 100 ही लेकर चलेंगे। कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.07 इक्वल टू 7% आ जाएगी। क्लियर सबको? तो मैंने इसके अंदर तीनों जो हमारे टाइप की सिक्योरिटीज थी जहां से मैं फाइनेंस इकट्ठा हुआ है उसकी वैल्यू निकाल दिया। इंडिविजुअली सबकी वैल्यू आ गई है। अब कैलकुलेट करनी है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब टोटल कॉस्ट सारे पैसे की क्या है। उसके लिए हम पूछेंगे भाई तुम्हारे पास सोर्स जो है वो क्या क्या है, सोर्स को क्या क्या है। सोर्सेस तीन सोर्स हैं। पहला सोर्स इनके पास है वो है इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरा सोर्स इसके अंदर क्या है, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और तीसरा सोर्स इसमें है 10% डिबेंचर्स। यही सोर्स है। अच्छा, उनकी वैल्यू क्या है, वैल्यू या अमाउंट उसमें कितना कितना यूज हुआ है। जो फर्स्ट टाइप है उसका 5 लाख, सेकंड टाइप का भी 5 लाख, और थर्ड टाइप का 10 लाख है। क्लियर है? टोटल कितना हुआ,
टोटल हुआ 20 लाख, मतलब बिजनेस जो हम चला रहे हैं वो 20 लाख रुपए से चला रहे हैं, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। अब मुझे बताओ कि इनकी स्पेसिफिक कॉस्ट क्या है, स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल माने ये जो अलग अलग सोर्स हैं वो कितने कितने के हमें पड़ रहे हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल की कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 12.5%, इसे 0.125 भी बोल सकते हैं, टेक्निकल फॉर्म में 12.5% भी लिख सकते हैं। और उसके बाद प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कितनी है, 0.12, और जो हमारा कॉस्ट ऑफ डेट है वो है 0.07। आप चाहे तो 7% भी लिख सकते हैं, इसमें कोई गलत वाली बात नहीं है, चाहे आप उसे टेक्निकल फॉर्म लिख सकते हैं, चाहे तो आप पर्सनल लिख सकते हैं। इसका मतलब अब मुझे बताओ कि जो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसकी वैल्यू बता सकते हो कितनी होगी, वैल्यू में क्या पड़ेगा। ये तो आपने स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखी है, वैल्यू क्या होगी। आपको कहे सर ये 5 लाख रुपये 12.5% मिले, तो जो इससे 5 लाख रुपये लिए हैं उसको 12.5% वापस करना पड़ेगा, तो कितना पैसा ये वापस मांगेगा, कहेगा जी 62,500 मुझे वापस करना है एक साल के बाद, क्योंकि मेरी कॉस्ट है तो मुझे इतना रिटर्न तो चाहिए चाहिए। इसने हमें 12% पे दिए हैं कितने, 5 लाख रुपए, तो ये कितना वापस मांगेगा, ये मांगेगा रुपीज में 60,000। और ये कितना मांगेगा, ये जो 10 लाख देने वाला है वो मांगेगा हमसे 70,000, नहीं मांगेगा, जितना पैसा दिया उस हिसाब से उसकी कॉस्ट है, उसी से हमने उसकी वैल्यू निकाली है। तो इसका मतलब हमें कमाने के बाद कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक को देने 62,500, दूसरे को देने 60,000, तीसरे को देने 70,000, सबको मिला के देने पड़ेंगे 1,92,500। क्लियर है। तो अगर मुझसे पूछता है कि भाई वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताओ, WACC, इसका मतलब टोटल कितना पैसा लेकर कितना दिया। इंडिविजुअली तो मुझे पता है, इंडिविजुअल कॉस्ट तो मुझे पता है, अब ओवरऑल कॉस्ट बतानी है। ओवरऑल कॉस्ट का मतलब है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट, ठीक है। तो बताइए टोटल कॉस्ट कितनी हमारी, 1,92,500 है, और टोटल अमाउंट आपके पास कितना यूज हुआ, 20 लाख। अगर इसको डिवाइड कर दूं मैं 20 लाख से, तो मुझे मेरी टोटल एवरेज कॉस्ट मिल जाएगी 0.09625, और भी सिंपल भाषा में बोले तो ये क्या बन जाएगा, 9.625%। अगर आप चेक करोगे आपकी बुक में ये वाला आपको आंसर मिल रहा होगा। तरीका डिफरेंट है, दूसरा तरीका वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले यहाँ पे समझ में आ गया क्या हमने किया। दूसरा जो तरीका है वो आपको डायरेक्टली आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे सकता है, उसके लिए आपको इसके अंदर ये वाला कॉलम जो है वो रिप्लेस करना पड़ेगा, ये वाला कॉलम आपको बनाने की जरूरत नहीं है। उसकी जगह आप ये बनाएंगे कि आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया वो किस रेशो में किया, रेशो आपको यूज करनी है ऑफ कैपिटल। रेशो ऑफ कैपिटल कैसे निकाली जाती है, हर एक फिगर को टोटल से डिवाइड कर दो, रेशो बन जाती है। तो ये हमने 5 लाख को कितने में से लगाया, 20 लाख में से लगाया ना, 20 लाख से 5 लाख ये लगा, तो अगर परसेंटेज में या रेशो में बात करूं तो 25% लगा ये टोटल में। 5 लाख डिवाइड बाय 20 लाख कैलकुलेटर पे करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.25। फिर 5 लाख डिवाइड बाय 20 लाख करेंगे तो फिर से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.25। और फिर 10 लाख को डिवाइड करेंगे 20 लाख से तो हाफ है, ये हाफ को अगर रेशो में निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, 0.50। इसका टोटल हमेशा 1 आएगा, ऑलवेज 1 आएगा। और अब आप क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे, कैसे, ये जो आपकी स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी उसको रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल जाएगी कि इसकी इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। तो 0.125 मल्टीप्लाई बाय 0.25 कर दूं तो मेरे पास जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 0.03125। चल मैं मैंने कौन से कॉलम को किससे मल्टी किया, इतना पैसा इतनी रेशियो के लिए यूज किया गया, इतनी कॉस्ट वाला पैसा इतनी रेशियो के लिए यूज किया जाएगा, 0.25 कैपिटल के लिए यूज किया जाएगा, ये आ जाएगा 0.03, बाकी सारे जीरो हैं। और ये है हमारा 0.07 मल्टीप्लाई बाय 0.5, अगर मैं करूं तो वैल्यू आ रही है 0.035। अगर आप इन सबको ऐड कर देंगे तो वैल्यू आ रही है 0.09625। ये वही वैल्यू है जो कि आपने पहले निकाली थी। एक तरीका है वैल्यू को यूज करके निकाल सकते हैं, दूसरा आप रेशो को यूज करके निकाल सकते हैं, दोनों से आपको जवाब सेम मिलेगा। यहां पे जाके क्वेश्चन कंप्लीट है।